फ्रैंकलिन आजकल तो बच्चन को लेके ही नहीं याद करे। अरे आंट मैं क्या कर दूं, आजकल बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, इस चक्कर में ना पढ़ाई पे फोकस करने को बोल रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन तो बच्चन को बिल्कुल परेशान ही कर रहा थे। अबे मैं मेकअप लगा के बैठी हूँ और बच्चा ये बेचारन को कछु कबा भी नहीं पा रही। अरे आप टेंशन मत लो आंट, मैं इनको सब कुछ खिला पिला के लाया था, बताना सिंचन। अरे हाँ आंटी मैं सब कुछ खा के आया था, आप टेंशन मत लो। और फ्रैंकलिन भैया के चक्कर में नहीं रुकते हम लोग, हम लोगों का जब भी मन होगा आपके पास आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। वो तो हम लोग कहीं कभी अभी काम चल रहे हैं ना, हम लोगों के स्कूल नए नए खुले हैं, इस चक्कर में हम लोगों को ज्यादा काम मिल रहा है। अरे आंट तो चलो फिर मैं चलता हूँ, मुझे काम है, बाद में आता हूँ। अरे फ्रैंकलिन ठीक है। अरे यार गाइस तुम लोगों को अपना पुराना रूम दिखाऊं, पहले मेरा यही कमरा था। देख सिंचन यहाँ पे पता नहीं कोक की बोतल क्यों रखी है इतनी बड़ी, लेकिन पहले का मेरा कमरा यही था। अरे फ्रैंकलिन भैया जब से आपने नया वाला घर लिया तो इस घर में आती नहीं हो। अबे यार सिंचन यहाँ पे आने का मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, इतने काम जो हो जाते हैं। अभी मुझे बैटमैन ने बुलाया पता नहीं जाने क्यों। अरे फ्रैंकलिन भैया बैटमैन भैया का कॉल तो आया था सुबह सुबह, क्यों आया था? अबे यार पता नहीं उस नूब ने बुलाया है, पता नहीं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो फटाफट चलते हैं उसका इंपॉर्टेंट काम देखेंगे। ओ फ्रैंकलिन भैया उससे पहले कि उसका इंपॉर्टेंट काम देखा मेरे को भी एक इंपॉर्टेंट काम है। अरे हाँ बता दे चुप, क्या इंपॉर्टेंट काम है? ओ फ्रैंकलिन भैया आजकल हमारा कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो चलो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। अरे हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो चलो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हम चलते हैं फटाफट से बैटमैन के घर पे जो कि बना है यहाँ पे। यार अरे फ्रैंकलिन भैया बैटमैन भैया का घर कितना मस्त लगता है। फ्रैंकलिन शोर कैसे आना हुआ? अरे यार बैटमैन ने बुलाया था तेरे, चल चलते फटाफट से अंदर देखते हैं क्या मस्त घर बना है यार इसका, ऐसे ही घर हो ना एक मजा आ जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो बिल्डर से ऐसी कोई घर बनवाएंगे। अरे हाँ यार सिंचन ऐसी कोई घर बनवाएंगे, चल फटाफट से बैटमैन से मिल के आते हैं, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लग रहा है कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी आपको याद किया, नहीं तो वो तो ऐसे याद नहीं करते किसी को। अबे सही बोला यार, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, चल फटाफट से लिविंग एरिया में चलते हैं, शायद वो बैठा है। अरे वो बैठा है ना बैटमैन। हाय फ्रैंकलिन, बड़ा टाइम दे दिया आने में। अरे यार मैं जरा अपनी आंट के पास चला गया था, उनसे बहुत दिनों से मिला नहीं था। और ये क्या हुआ तुझे, ऐसा मोटा पेट कैसे निकल आया तेरा? फ्रैंकलिन यही तो बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं जो तुझे बताने वाला था कि यार मैं पिज्जा खा के मोटा होता जा रहा हूँ, और ना मेरा कोई एक्सरसाइज करने का मन हो रहा है ना कुछ करने का मन हो रहा है। अरे तो मुझे क्यों बुलाया है भैया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम तो कैसे मोटे से होते जा रहे हो, फिर तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। अरे बैटमैन भैया ये क्या हो गया, आपको इतने मोटू से कैसे हो गए? अरे यार सिंचन मैं मोटू सा इसलिए हो गया क्योंकि मैं इतने ज्यादा पिज्जा खाने लगा हूँ आजकल कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार तो उसमें मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अरे यार फ्रैंकलिन फ्लैश मुझसे मिला था अभी रिसेंटली, और वो बता रहा था कि फ्रैंकलिन तूने उसकी बढ़िया ट्रेनिंग कराई और वो अपग्रेड भी हो गया, तो यार क्या प्लीज मेरी भी अपग्रेड करा दे, मेरी भी पावर बढ़ा दे पहले की तरह, ऐसा नूब बन के नहीं रहना चाहता। अरे तो ठीक है फिर खड़े हो, चलो फटाफट से चलते हैं। अरे मैं चलने को तो तैयार हूँ लेकिन चलना कहाँ है? अरे मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, फटाफट से वहाँ पे आ जाना अपनी गाड़ी से, चल सिंचन अपन चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया बैटमैन भैया तो कितने गंदे लग रहे हैं देखने में। अबे यार सिंचन ये सुपर हीरो भी ना आजकल के बहुत बर्बाद होते जा रहे हैं, बताओ पिज्जा खाने में लगे यार, इन्हें देश बचाने की नहीं पड़ी, दुनिया बचाने की नहीं पड़ी, इन्हें पिज्जा खाने की पड़ी है। ओ फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया? अबे अभी खुद ही देख लेना जब बैटमैन आएगा लोकेशन पे। यार ऐसा क्या हो गया बैटमैन नुबड़े को, वो तो बढ़िया लगता है और मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है, बैटमैन भी बनना चाहता हूँ मैं भी, मेरा बचपन का सपना था। अरे हाँ यार बॉब मुझे पता है तेरा बचपन का सपना था, लेकिन तू अभी बैटमैन को देखेगा ना तो बोलेगा कि मेरे को ऐसा सपना नहीं जीना भाई, अभी बैटमैन की शक्ल देखियो तू कितनी अच्छी लग रही है। ओ फ्रैंकलिन भैया ऐसा हुआ क्या बैटमैन भैया को? कुछ नहीं भाई, आजकल पता नहीं पिज्जा खाने में लगा है और मोटा सा पेट निकल आया है उसका, इतना गंदा लग रहा है देखने में, ना तो उचक पा रहा है ना तो उड़ पा रहा है ना, मतलब उड़ तो वैसे भी नहीं पाता, उसके पास वो चमगादड़ वाले पर होते हैं ना उससे थोड़ी दूर तक उड़ सकता है ना, वो भी नहीं कर पा रहा है पेट के मारे। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा बोलो कि डायरेक्ट उनकी पावर जीरो हो चुकी है, अपन को अपग्रेड करनी होगी 9999 पे। अबे सही बोला, तो चलो फटाफट से सेटअप बनाते हैं जैसे बैटमैन की पावर अपग्रेड हो पाए।
hours later. अरे हाँ फ्रैंकलिन, आ गया यहाँ पे, क्यों बुलाया है? थक गया यार मैं, दौड़ते दौड़ते आना पड़ा, मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया था। अरे यार बैटमैन भैया, सामने वो पट्टियाँ दिख रही है ना, एक एक करके उसमें से कूदो, उससे तुम्हारी क्या जंप पावर बढ़ेगी और तुम थोड़ी तेज भी दौड़ पाओगे जैसे पहले दौड़ पाते थे। ये मोटा सा पेट तो जाने कैसा लग रहा है यार, मेरा बचपन का सपना टूट गया, कैसा गंदा लग रहा है बैटमैन, ऐसा बैटमैन मैं नहीं बनूंगा कभी। अरे यार बॉब, तू अच्छा वाला बैटमैन बन जाइयो। अरे यार बॉब ने भी बेइज्जती कर दी, जबकि बॉब तो मेरा फेवरेट था, वो बोलता था कि मैं उसका सुपर हीरो हूँ और आज उसका सुपर हीरो मोटा हीरो बन चुका है, रुक जाओ फटाफट से पतला होके दिखाऊंगा और फिर से सुपर हीरो बन जाऊंगा बच्चों का फेवरेट वाला। अरे यार मैं तो चढ़ ही नहीं पा रहा, थक गया। दूसरा वाला तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, इससे ऊपर कैसे चढ़ूं? रुक जाओ फटाफट से पीछे वाले पे चढ़ के देखता हूँ, बार बार इसी पे चढ़ के कोशिश करनी होगी तभी मेरी पावर अपग्रेड हो पाएगी। यार कितना ज्यादा आलसी हो चुका हूँ, अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं तो यही चक्कर खा के गिर ना जाऊं कहीं। रुक जाओ साइड से चढ़ता हूँ, अरे यहाँ से भी नहीं चढ़ पा रहा, हाँ यहाँ से चढ़ता हूँ। थक गया, इतना ज्यादा थकान हो गई ना मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। रुक जाओ थोड़ी दूर से दौड़ के देखता हूँ, फिर थोड़ा शायद ऊपर कूद पाऊँ, काश मेरी जंप पावर होती मेरे पास, अभी कूद जाता, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। 2000 years later. Finally, अब मैं कूद पा रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास मेरी पुरानी पावर आती जा रही हो, और अब मेरे को थका सा फील भी नहीं हो रहा, और अब मैं थोड़ा थोड़ा ग्लाइड भी कर पा रहा हूँ। ये बात फ्रैंकलिन की ट्रेनिंग कुछ तो काम आई, रुक जाओ फटाफट से कूद के देखता हूँ, ये मेरा ग्लाइडर भी खोल पा रहा हूँ मैं, पहले तो ये ग्लाइडर ही नहीं खोल पा रहा था, ग्लाइड करके खूब दूर तक उड़ पा रहा हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन तेरी ट्रेनिंग कुछ तो काम लाई, मैं अब ग्लाइडर भी खोल पा रहा हूँ अपना, पहले की तरह मेरी पावर वापस आती जा रही है। अरे यार बैटमैन भैया, मैंने बोला था ना मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, सब वापस आ जाएगा। वैसे तेरे बच्चे कहाँ चले गए? अरे यार वो बाहर कुछ खाने गए हैं, बर्गर का स्टॉल लगा था वहाँ पे गए। अरे यार मुझे कुछ फील सा हो रहा है, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, अंदर से घबराहट सी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अरे ये क्या हुआ, मैं तो एकदम से अपग्रेड हो गया और मेरी फिर से बॉडी वापस आ गई है, सिक्स पैक है वापस आ गए हैं, अब मैं लग रहा हूँ ना सुपर हीरो। अरे यार अब लग रहे हो ना तुम असली बैटमैन जैसे, अब लाएगा मजा, चलो फटाफट से दूसरी ट्रेनिंग पे चलते हैं जहाँ पे तुम्हारी पावर अपग्रेड होगी, क्योंकि सिर्फ ग्लाइड करके तो तुम एनिमीज को हरा नहीं पाओगे। अरे सही बोला यार फ्रैंकलिन, चल फटाफट से चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, बैटमैन भैया लग रहे हैं कतई ओपी सुपर हीरो। अरे यार शिनचैन थैंक यू। अरे बैटमैन भैया चलो मिलते हैं फटाफट से दूसरी लोकेशन पे। अरे हाँ हाँ चल फटाफट से शिनचैन चलते हैं, बैटमैन तू आ जाइयो। अरे हाँ लोकेशन सेंड कर दियो, मैं आ जाऊंगा। वैसे यार चॉप बॉप कहाँ गए? अरे फ्रैंकलिन भैया बाहर खड़े हैं, बर्गर खत्म नहीं हुआ था उनका, मेरा हो गया था तो मैं आ गया। अरे ठीक है चल बाहर सोना बैठाते हैं और फटाफट से दूसरी लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे भाई इसकी होगी बैटमैन की लड़ाई अब दूसरे एनिमीज से, तभी तो मजा आएगा ना। ओ फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे क्यों आए हम? अरे चौप मेरे बच्चे, यहाँ पे है मेज बैंक टावर के ऊपर बॉक्सिंग रिंग, जो कि इनलीगल बॉक्सिंग रिंग है, तो वहाँ पे हम जाएंगे और फटाफट से भाई बैटमैन की लड़ाई होगी बैटमैन की एनिमी से। अरे फ्रैंकलिन भैया, लेकिन बैटमैन भैया कैसे आएंगे? अबे उसको लोकेशन भेज दिया और यहाँ पे उसकी एनिमी से लड़ाई होगी, बस उसका वेट हो रहा है आने का। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे तो बहुत लोग आए हैं, अबे इनलीगल बॉक्सिंग रिंग है ना। A few moments later, फ्रैंकलिन क्या हुआ, इसी से लड़ना है क्या? यही मेरी एनिमी है? अरे हाँ यार बैटमैन यही तेरी एनिमी है, मार इसको। आए बने कैसा है तू? ओ भाई बैटमैन तू मेरे को मार रहा, रुक जा बताता हूँ उठ के, तेरे को तो ऐसा बुरा पहलूंगा भक्ता का, रुक जा मेरा मुक्का खा। अरे बने गुस्सा क्यों हो रहा है, अभी तुझे पहलूंगा यहाँ पे। अरे पहलेगा तो तू बाद में, पहले मैं तुझे पहलूंगा, भाग के देखा कहाँ तक भगेगा, तेरे तो ढक्के चक्के कर दूंगा। अरे यार नूबड़े तेरे पंच बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं दिन पे दिन, रुक जा बताता हूँ तुझे, मैं भी मारूंगा, आउट लग गई कोई बात नहीं, तुझे बताता हूँ। अरे ढक्के चक्के बैटमैन कहाँ भाग रहा है, तुझे तो बहुत बड़ा पहलूंगा। अरे बैटमैन मुझे मत पहल, अरे गलती हो गई छोड़ दे बैटमैन, अगली बार नहीं आऊंगा लड़ने। हाँ ऐसा ही अब आया ना मजा, मुझसे लड़ने आया था नुपड़ा। अरे फ्रैंकलिन तेरी एनिमी तो हार गई। अरे बैटमैन भैया पुलिस वाली आंटी आ गई फ्रैंकलिन भैया को मारने। अरे शिनचैन तू टेंशन मत ले, इस पुलिस वाली आंटी को तो मैं बताता हूँ, मेरे शिनचैन को डरा रही है, रुक जा बताता हूँ। अरे बैटमैन मेरे को मत मार, नहीं मौत मारूंगी। अरे यार रुक जा बताता हूँ आंटी, तुझे बैटमैन से लड़ रही थी, मुझसे लड़ रही थी, पता नहीं फालतू में लड़ क्यों रही थी। यार बैटमैन कैसा लगा तुझे लड़के, पावर वावर अपग्रेड हुई कि नहीं हुई? अरे फ्रैंकलिन
फिर से वो अजीब सी फीलिंग आ रही है, लग रहा है अपग्रेड होने वाला हूँ, रुक जा। अरे ये देखो मैं तो अपग्रेड हो गया, अब लग रहा है ना कि मैं असली बैटमैन हूँ। अरे बैटमैन भैया तुम तो छा गए, कतई भोपी लग रहे हो यार, क्या मस्त बॉडी बॉडी आ गई तुम्हारी तो। अबे सही बोला, चलो फिर फटाफट से नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं और ज्यादा पावरफुल करने के लिए तुम्हें। मेरा सुपर हीरो वापस आ गया, बैटमैन भैया लव यू। अरे यार लव यू टू बॉब मेरे भाई, मिलता हूँ मैं तुझसे बाद में। अरे चलो यार बैटमैन भैया नेक्स्ट लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें, आ जाना फटाफट से। ओ फ्रैंकलिन भैया बैटमैन तो कतई खतरनाक लगने लगा, पहले वाली वाइब देने लगा। अरे यार क्योंकि अब उसकी पावर अपग्रेड हो गई है ना, अभी और ज्यादा अपग्रेड देंगे उसे, बस बताना मत कि मैंने ब्राइट बर्न को बुला रखा है उसे मारने के लिए। ओ फ्रैंकलिन भैया ब्राइट बर्न तो इन लोगों की बहुत टकट्टा रहनी में है, तुमने उसे क्यों बुलाया? अबे यार जैसे बैटमैन की पावर अपग्रेड हो पाए। नो फ्रैंकलिन कैसे बुलाना हुआ? अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारा शिकार बैटमैन दूंगा, बस वो यहाँ पे आने वाला है, तुम उसे संभाल लेना, मैं यहाँ से निकलता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन ने तो यही लोकेशन भेजी थी। अरे ये ब्राइट बर्न कहाँ से आया? अरे बैटमैन मुझे देख के डर गए क्या? आउच आउच लग गई, लेजर नहीं, अभी इतना अपग्रेड नहीं हो पाया। आउच लग गई, आराम से मार, उछाल के मत मार, रुक जा बताता हूँ। आउच 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 लग गई, रुक जा डंडा मारूंगा। आउच 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 रुक जा, उठने दे मेरी बारी आने दे, फिर बताता हूँ। अरे बैटमैन लग रहा है आराम से, मैं तो तेरी पावर अपग्रेड कराने आया था, ऐसा मत मार लग गई। अरे तू मेरी पावर क्या अपग्रेड कराएगा नूबले, इस फ्रैंकलिन को तो मैं बताता हूँ, मेरे साथ धोखा करता है, मेरी एनिमी बुला के मुझे मारना चाहता था। रुक जाओ फटाफट से अपनी गाड़ी मंगाता हूँ, कोई भी मंगा लेता हूँ, बैट मूवी मंगा लेता हूँ, आती होगी, पता नहीं कहाँ रह गई मेरी गाड़ी। अरे ये आ गई मेरी गाड़ी, अब बताता हूँ इस फ्रैंकलिन के बच्चे को, जल्दी से जाके मेरे को मारने के लिए एनिमी बुलाता है, मुझे मारना चाहता था ये, रुक जाओ इसको जाके बताता हूँ। ए फ्रैंकलिन के बच्चे तू मुझे मारना चाहता था, मेरी एनिमी बुलाई थी। अरे यार मेरी बात सुनो, मैंने एनिमी तुम्हें मारने के लिए नहीं बुलाई थी, पावर अपग्रेड करने के लिए बुलाई थी यार, तुमने उसे हरा दिया ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, अब देखना तुम्हारी पावर और अपग्रेड हो जाएगी। और यार फ्रैंकलिन सही बोल रहा है, मुझे फिर से अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे पहले आ रही थी। अरे तो टेंशन काय को ले रहा है बिड़ू, अभी अपग्रेड होगा ना, तू टेंशन नहीं लेने का। ए फ्रैंकलिन ये टपोरी लैंग्वेज कहां से सिखाया? अरे सॉरी यार गलती हो गई, लेकिन तुम देखो टेंशन नहीं लो, अपग्रेड हो गए। ग्रेट तो मैं हो गया यार, बढ़िया लग रहा हूँ। अरे रुक जाओ मुझे कॉल आ रही है किसी की, एक सेकंड रुको। अरे हाँ डोनी भैया क्या हो गया, क्यों कॉल कर रहे हो? अरे यार फ्रैंकलिन या लॉस एंजेलिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, डून फिर से लौट आया है, तेरे पास कोई है क्या कॉन्टेक्ट में जो उसे हरा पाए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेट पे आया हूँ यार बाहर। अरे यार तुमने बहुत सही टाइम पे कॉल किया, मेरे पास बैटमैन भैया है जिनको मैंने अपग्रेड किया 999 पावर पे, वो डूम का गेम बजा देंगे। अरे फ्रैंकलिन तो फिर जल्दी बैटमैन को भेज दे और डूम का गेम बजवा दे यार, क्योंकि मैं तो डेट पे हूँ, मेरे को यहाँ पे डेट में परेशान होने नहीं चाहता। अरे ठीक है डोनी भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यार बैटमैन भैया तुम्हारे लिए काम आ गया है। कौन सा काम? अरे तुम्हारा पुराना दोस्त डूम आया है, जा उससे समझ लो, उससे मिल लो यार। अरे फ्रैंकलिन चल मैं मिलता हूँ तुझसे बाद में, एक बार डूम से जरा मिला हूँ, उसको सबक सिखाया हूँ और अपनी बॉडी भी दिखाया हूँ, जरा क्या मस्त लग रहा हूँ अपग्रेड होने के बाद, अब लग रहा हूँ ना खतरनाक सा बैटमैन, जो कि लगेगा रियल में बैटमैन। चलो फटाफट से डूम को देखते हैं, हाय डूम कैसा है? और ये बैटमैन मामू तुम्हें तेरे को याद हूँ चमगादड़ की शक्ल वाले? चमगादड़ की शक्ल वाला बोलता है मुझे, और ये बैटमैन मामू और क्या तेरी शक्ल चमगादड़ के जैसी नहीं लगती क्या? रुक जाओ बताता हूँ तुझे, चमगादड़ की शक्ल वाला बोलता है मुझे, इतनी हिम्मत हो गई तेरी, अभी पावर अपग्रेड करके आयो, तुझी पे इस्तेमाल करूंगा सबसे पहले अपनी पावर। और ये बैटमैन मामू ते अपने सपने में करना, मैं भी अपनी पावर अपग्रेड करके आया हूँ, तेरा तो गेम बजा दूंगा। औच लग गई, रुक जाओ उठ के मैं बताता हूँ तुझे, मुझे निपटाने की कोशिश कर रहा है। हाँ एक तो अपग्रेड होके आया हूँ, एक मुक्का इतना पावरफुल है ना कि एक मुक्के में सो जाएगा, ना मुन्ना ना ऊपर मुड़ के मत जा, नीचे आ जा, कहाँ लेजर चला रहा है मुन्ना, मेरे पे मार मेरे पे, रुक जा तुझे तो आज खत्म ही कर दूंगा, ऊपर लेजर मत चला, मेरे पे मार लेजर। और ये बैटमैन मामू तू तो सही में अपग्रेड हो गया यार, मेरे को माफ कर दे, गलती हो गई लग रही है, माफ कर दे, अरे छोड़ दे बैटमैन मामू। अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे तो खत्म कर दूंगा फाइनली। अरे यार बैटमैन भैया कहाँ है, डूम कहाँ चला गया,
अरे उसको तो मैंने निपटा दिया, और थैंक यू यार फ्रैंकलिन, तूने मुझे अपग्रेड कर दिया। अगर तू नहीं होता तो मैं वैसे ही मोटा रह जाता। धन्यवाद तेरा बहुत बहुत। अरे यार बैटमैन भैया, धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। तो चलो गाइस, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बैटमैन भैया का अपग्रेड तुम लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम कहीं आ रहा हुआ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। Fearless.